अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि। ये ऐसा विचित्र विषय आज इन लड़कियों ने चुना है जिसपे मुझे से कुंवारे आदमी को बोलने के लिए बुलाया, पर समस्या ये है कि विवाह के बिना ये दुनिया नहीं चलती। विवाह का प्रयोजन जो तय किया गया वो शास्त्रकारों ने बताया कि विवाह के दो प्रयोजन हैं। एक तो मनुष्य को जानवर बनने से बचाना, क्योंकि जानवरों में कोई रिश्ते नाते नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन हमारी माँ है, कौन बहन है, कौन भाई है, कौन पिता है। मनुष्यों में रिश्तों का बोध कराने के लिए विवाह नामक संस्था की परिकल्पना की गई। और दूसरा परिवार की वृद्धि, क्योंकि उपनिषद कहती है कि प्रजा तंतु माँ व्यवच्छेदसी। ये प्रजा यानी प्रोजनी का जो चेन चला हुआ है, लगातार सृष्टि का क्रम जो चला हुआ है, उसे तोड़ने का प्रयत्न करना पाप है। इसलिए जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाओ, शादी जरूर करो और शादी करके बच्चे जरूर पैदा करो। तो ये तीन चीजें धर्म अर्थ काम को पाने के लिए आवश्यक है। शास्त्र क्या कहते हैं कि भार्या त्रिवर्ग कर्णम। ये भार्या जो होती है, नाम से तो ऐसा लगता है जिससे पति पर भारी होती हो, लेकिन भार्या से ही त्रिवर्ग यानी तीन पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, धर्म अर्थ और काम। धर्म का पालन करने के लिए पत्नी चाहिए या पति चाहिए, अर्थ यानी घर संभालने के लिए, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए पत्नी चाहिए या पति चाहिए, और काम यानी सांसारिक सुख भोगों के लिए भी पत्नी या पति की आवश्यकता होती है, गृहस्थ धर्म की आवश्यकता होती है। संस्कृत का एक शब्द है समझ और दूसरा शब्द है समाज। समाज में म पर से आ की मात्रा हटा दी जाए तो समझ शब्द रह जाता है। तो कोशकार क्या कहते हैं संस्कृत में, समझ पशु नाम समाज मनुष्याणाम। समझ पशुओं के झुंड को कहते हैं, लहंडे को कहते हैं, हर्ड एनिमल्स का जो झुंड होता है उसको कहते हैं समझ। और मनुष्यों के ग्रुप को, मनुष्यों के समुदाय को, मनुष्यों के झुंड को, मनुष्यों के समूह को कहते हैं समाज। तो समझ और समाज का फर्क तय करने के लिए ये आवश्यक हुआ, ये जानकारी ये जानना बहुत जरूरी हुआ, बल्कि शादी के घाट पर उतर जाना ये बहुत जरूरी हुआ। जैसे लोग मौत के घाट उतरते हैं वैसे ही शादी के घाट उतरना होता है। तो शादी के घाट पर उतरना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो मनुष्य को सब प्रकार की मुसीबतों से बचने का, उनको टैकल करने का और उनका सामना करने का साहस आ जाता है। जिसने शादी नहीं की वो थोड़े डरपोक रहते हैं, वो हैंडल करने में सिचुएशन को, एडवर्स सिचुएशन को थोड़े से मुश्किल महसूस करते हैं। और जब आदमी शादी कर लेता है या औरत शादी कर लेती है तो अपने पति पत्नी की फोटो अपने मोबाइल में लगा के रखती है और रोज सुबह उठ के देखती है कि जब मैं इसको टैकल कर सकती हूँ तो ये सिचुएशन क्या है, इसलिए कोई समस्या ही नहीं होती। दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की तरह कैसे किसी कंपनी को, कैसे घर को, कैसे समाज को, किसी संस्था को चलाया जाता है, उसमें टीम स्पिरिट और काम और साथ मिलकर के काम करने की भावना, ये दोनों बहुत आवश्यक होती हैं। इसके लिए दोनों मनुष्यों का अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। तो शादी कर जिसके लिए भी, जिसके साथ भी की जाती है, उन दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और इसी बात को आजकल हम मिलान करके देखते हैं, कुंडली मिलान, उस पर हम बाद में बात करेंगे। कुंडली मिलान से पहले कई सारे काम बताए जिसकी जिम्मेवारी ज्योतिषी की नहीं है, वो जिम्मेवारी लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता की भी है। पहले वो अपना होमवर्क कर लें, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन करते समय सब वो लड़की और लड़के के बारे में, मिलान के बारे में ज्योतिषी से बात करने आए। वो ज्योतिषी का एरिया नहीं है। कौन कौन से एरिया हैं, शुरुआत में ही जब मिलान की पुस्तकें लिखी गई, मेला पर शास्त्र ग्रंथ लिखे गए, तो उनमें सबसे पहला शब्द क्या आया, श्लोक लिखा उन्होंने कि कुलम च शीलम च सनासताम च,
विषम च विद्याम च वपुर वयस्य। अब देखिए कैसे ये सिस्टम बनाया और कैसे किस सीक्वेंस में ये बात बताई, उन सब को हम भूल जाते हैं। शादी करने चले, कोई लड़की लिफ्ट से उतरती हुई पसंद आ गई, कोई लड़का समझ में आ गया, हाय ये मेरे वाला क्रीम, उस तरीके से कोई लड़के को पकड़ लिया और उससे शादी कर ली। सबसे पहले मिलान में हमें सनास को, कुल को देखना है, व्यक्ति का खानदान, लड़के और लड़की का खानदान कैसा है। पुराने जमाने में जब लड़की लड़के का रिश्ता करने के लिए जाया करते थे तो लोग गांव देहात के बाहर बैठ करके पहले ही पूछ लिया करते थे, भैया इसके घर में कितनी लड़कियों ने, कितनी बहुओं ने कुएं में कूद करके जान दी, क्योंकि उस जमाने में कुएं में कूद करके ही आत्महत्या की जाती थी, पंखे तो होते नहीं थे और ना ही जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर था कि वहां से कूद जाओ, मेट्रो तब तक थी नहीं, उसके आगे छलांग लगा के आत्महत्या कर लो। तो आत्महत्या करने का एकमात्र सर्वसुलभ साधन था कुएं में कूद जाना। और गलती से मैं भी ऐसी जगह पैदा हुआ था जिस घर में पैदा हुआ था उसके ठीक सामने थोड़ी दूरी पर एक कुआ था, उसका पानी पीने के काम नहीं आता था, इसलिए उसको कहा करते थे खारा कुआ, खारे पानी का कुआ। उसमें हमारे गांव की बहुत सारी महिलाओं ने जौहर किया है, बहुत सारी महिलाओं ने वहां मतलब कूद करके अपनी बहादुरी दिखाई है, ऐसा अक्सर होता रहता था। तो कितने लोग लड़कियों ने आत्महत्या की, कितनी लड़कियां या लड़के इसके घर घर के इस खानदान के लड़कियां भगा करके लाए, या कितनी लड़कियां भागी, इन सबको देखा जाता था। इनकी प्रतिष्ठा कैसी है समाज में, इनको 10 रुपए का उधार भी बाजार में मिलता है कि नहीं मिलता है, इनकी इनकी साख कैसी है, इनका गुडविल कैसा है, ये सब देखा जाता। सबसे पहला अक्षर है, आप मिलान करके गुण मिला करके वाह 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 35 गुण मिल गए और खुश होकर के आज जमी पर नहीं पड़ते कदम मेरे, और बस कह दो करो जी बजाओ बैंड इनका, अरे बैंड तो वैसे ही बज जाएगा। गुण तो सबसे बाद की चीज है, गुण मिलान सबसे बाद की चीज है। सबसे पहले खानदान को देखना है कि व्यक्ति का खानदान कैसा, उसकी ब्रीड कैसी है। अब हम कुत्ता पालते हैं, गाय भैंस खरीद करके लाते हैं, उसके लिए भी उसकी नस्ल देखते हैं, घोड़ा लाते हैं उसकी भी नस्ल देखते हैं, गाड़ी लाते हैं उसकी भी नस्ल देखते हैं, पहले ब्रीड देखते हैं, कंपनी देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं। लेकिन आजकल प्रोडक्ट को देखने की जरूरत नहीं, जिस दूसरे के घर की लड़की को जिंदगी भर के लिए आप अपने घर में लाने वाले हैं, जिस घर के लड़के को आप जिंदगी भर के लिए अपनी लड़की के साथ बांधने वाले हैं, उनके खानदान का विचार करने की जरूरत नहीं। हाँ तो धक्के से यू लव मी यू लव्ड मी नॉट, यू लव्ड मी यू लव्ड मी नॉट, बस ऐसे करके गुलाब की पंखुड़ी फेंकते रहते हैं और रमल ज्योतिष की तरह तुक्के भिड़ाते रहते हैं और बस वो शादी कर लेते हैं। तो शादी में सबसे पहला विचार करने का जो पक्ष हुआ वो हुआ कुल खानदान। हमें ये कहने में बड़ा संकोच होता है कि जब कुत्तों तक में ब्रीड होती है यार, तो आदमियों में ब्रीड क्यों नहीं होती होगी, नस्ल क्यों नहीं होती। ये गांव में जब भैंस खरीदने जाते हैं तो उसके पुट्ठे पर हाथ रख करके और उसके स्किन को पकड़ करके ऐसे खींच के देखते हैं कि वो चमड़ी मोटी की है भैंस या पतली चमड़ी की है। यदि पतली चमड़ी की है तो दूध ज्यादा देगी और मोटी चमड़ी की है तो दूध कम देगी। तो उसी तरीके से व्यक्ति के कुल खानदान को सबसे पहले देखना चाहिए। कुलमच और उसके बाद उन्होंने बताया शील। शील क्या होता है भाई? चरित्र। अब चरित्र से मतलब आजकल तो लूज कैरेक्टर वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वो बात अलग है कि विचारों का फिर एनकाउंटर हो जाया करता है सुबह सुबह, लेकिन शील से मतलब खाली कैरेक्टर नहीं है। शील का मतलब है उसका आचार व्यवहार आदतें, ये सब चीजें, उसका जो कॉमन बिहेवियर है वो शील में शामिल है। इसलिए नंबर दो पर हमें उसके शील का विचार करना है। बासी रोटी तो नहीं खाता, सुबह उठ करके उसको जो है बैटरी पीने की आदत तो नहीं है, रात का खाना बचा करके रखकर, और सुबह सुबह बहुत सारी लड़के लड़कियां सुबह सुबह आजकल नए न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं जो पीछे टी शर्ट पे लिख के देते हैं डू नॉट डिस्टर्ब मी न्यूली मैरिड, तो ऐसे लोगों के साथ समस्या हो तो सुबह सुबह उठ करके भरना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, उनको सुबह सुबह चाहिए, भूख लगती है भाई। तो सुबह सुबह खाने वाला तो नहीं है, घर में बासी रोटी सुबह की रात की रखे तो नहीं खाई जाती, कितने बजे सो के उठता है, कितने बजे आता है, क्या जीवन में डिसिप्लिन है कि नहीं है, कितना लॉयल है, कितना वो रिस्पॉन्सिबल है, कितना वो अफेक्शनेट है, इन सब चीजों को चेक करना पड़ता है। तो शील में ये सब चीजें आ जाती है। हाथ पैर अपने साफ सुथरे रखता है कि नहीं रखता है ना, उसको क्रैक क्रीम इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता तो नहीं होती, नाखून बड़े बड़े और गंदे तो नहीं रखता, बालों को बया का झोपड़ा घोंसला तो बना करके नहीं रखता, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। तो कुलम च शीलम च,
इसके बाद नंबर तीन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया उन्होंने, बताया सनासता। ये सनास क्या होता है भाई? अनास का उल्टा होता है, एंटोनिम ऑफ अनास। अनास का मतलब क्या होता है? ऑर्फन। ऑर्फन को हिंदी में कहते हैं जिसका कोई स्वामी नहीं होता, जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता, जिसके माँ बाप नहीं हो, ताऊ चाचा नहीं हो, मामा वामा भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो सनासता होना बहुत जरूरी है, यानी उसके खानदान में बड़े बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है, उसके पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाठशाला सबसे पहली जो जीवन की है वो घर है, परिवार है। परिवार से ही व्यक्ति अपनी आदतें सीखता है, अपना शील और चरित्र निर्माण करता है। पहली पाठशाला वही है, वहीं से बोलचाल सीखती है। अब वो माँ बाप ने लव मैरिज की हो, माँ बाप ने इंटरकास्ट मैरिज की हो, इंटर रिलीजन मैरिज की हो, तो किस मुंह से अपने बच्चे को कहेंगे कि तुम ये शादी मत करो? तो वहां तो परंपरा चल पड़ी, वहां तो गंगोत्री शुरू हो गई, गंगा निकलनी शुरू हो गई, तो उसके बच्चे भी वैसे ही शादी करेंगे। जो लोग अपने पति पत्नी का म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना करते हो, उनका आदर सत्कार, उनका ख्याल ना रखते हो, उनका उनकी पूरी परवाह ना करते हो, तो उनके बच्चे के ऊपर रखेंगे? क्यों? घर से ही तो वो सीखते हैं। यदि आप तूतराज से बात करेंगे घर में एक दूसरे से, तो बच्चे भी तूतराज से ही बात करेंगे। इसलिए शास्त्रकारों ने क्या कहा कि अपने घर में अपने बड़े बच्चे का और अपनी बीवी का नाम मत लो। वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना हो, ऐड करवाना हो, तो वहां तो बोल दो, लेकिन वैसे रूटीन में, डेली डे टू डे प्रैक्टिस में अपनी बीवी का और अपने बड़े बच्चे का नाम मत लो। क्यों ना लें भाई? बीबी का नाम लोगे, एक बच्ची नर्सरी की थी, उसको तैयार, उसको प्रिपरेशन करा के एडमिशन मिल गया, उसकी टीचर ने पूछा व्हाट इज योर मदर्स नेम, बोला माय मदर हैव सो मेनी नेम्स लाइक जानू, डार्लिंग, हनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो टीचर घबरा गई, बोला क्या मतलब हुआ? अरे जो बाप उसका बोलता था अपनी बीबी को, वही तो बच्चे ने सीखा, इसीलिए कहा कि अपनी बीबी का नाम मत लो, नहीं तो बच्चे भी उनका नाम लेंगे, नाम लेके ही पुकारेंगे। और अपने बड़े बच्चे का नाम मत लो, क्योंकि छोटे बच्चे भी फिर उसको नाम लेकर के पुकारेंगे, घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आदर म्यूचुअल आदर सम्मान करना भूल जाएंगे। और यदि कोई गड़बड़ हो गई, लड़की और लड़के का की जो मेंटेलिटी होती है वो बिल्कुल कुदरती तौर पर अलग अलग होती है। दोनों के सोचने समझने का ढंग, उनके मस्तिष्क की विचारधारा अलग अलग तरीके से चलती है, वो डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। तभी तो स्त्री और पुरुष है, नहीं तो दोनों या तो मर्द होते या दोनों स्त्री होते। तो दोनों को कुदरत ने अलग अलग बनाया, तो उनके शरीर की बनावट, उनके मस्तिष्क की बनावट, उनकी विचारधारा, उनके सोचने का ढंग ढंगा, ये सब अलग अलग होता है, इसलिए उसके साथ हमें एडजस्ट करना होता है। अब वो एडजस्टमेंट की भावना नहीं आएगी, और जब कभी एडजस्टमेंट नहीं होता, वो लड़की कभी भी कुछ कुछ बकवास कर देती है, लड़का कुछ कुछ बोल देता है, और बोलने के बाद अपने माँ बाप को शिकायत कर देते हैं, माँ बाप फिर बीच में घुस जाते हैं। आजकल का जमाना अलग हो गया, वो जमाने में, पुराने जमाने में घुस करके वो दोनों को, पक्षों को समझा बुझा करके, बड़े बड़े लोग बात करके, घर के बुजुर्ग बात करके अपने मसले को घर के अंदर ही रखते थे, वो चौराहे पर नहीं लेके जाते थे, आजकल ही आम हो गया। तो सनासता इसलिए बहुत जरूरी है। सनासता को कैसे देखेंगे? लड़की की कुंडली में भी उसके बाप का और माँ बाप के खाने को पहले देखना है, और लड़के की कुंडली में भी देखना है, तब जाकर के तय होगा कि इसके माँ बाप, लड़की तो ठीक है, लड़का तो ठीक है, लेकिन माँ बाप तो उंगली लगा के इसको प्रेस करने वाले नहीं है, वो तो गड़बड़ झाला पैदा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने सनासता शब्द का इस्तेमाल किया। तो कुलम च शीलम च सनासताम च, इसके बाद क्या देखना है लड़के में या लड़की में? विषम मनी है ना, ये कितना कमाता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये बात अलग है, कमाता कितना है, क्योंकि घर गृहस्थी तो पैसे की चलेगी, घर की सारी एमिनिटी जो खरीदी जाएंगी वो रुपए पैसे से खरीदी जाएगी, वो बेशक बीए पास है, बेशक बारहवीं पास है, बेशक आठवीं पास है, लेकिन बिजनेस करता है और अच्छा पैसा कमाता है तो लायक है, तो इसलिए विषम देखा। इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये हमारी लड़की को ठीक रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, ये सब चीजें देखी जाती है। विश्व के बाद आया, यदि बाय चांस उसके पास कुल भी है, शील भी है, सनास्ता भी है और विश्व नहीं है, तो उसके बाद अगली बार बताएगी विद्या। विश्व नहीं है कोई बात नहीं, क्वालिफाइड कितना है, हुनर उसके पास कितना है, यदि आज नहीं तो कल कमा लेगा, वो क्वालिफाइड है, आज नहीं तो उसको कल अच्छा जॉब मिल जाएगा,
तो कुलम च शीलम च सनासताम च विद्या वित्तम च विद्याम च, इसके बाद सेकंड लास्ट जो ऑप्शन आता है या जो विशेषता देखी जाती है वपु। वपु माने बापू नहीं, संस्कृत वर्ड है वपु, वपु माने होता है शरीर। तो शरीर के बारे में देखना है, उसका शरीर कैसा है, कद काठी कैसी है, रंग रंगत कैसी है, कद काठी में मेल खाता भी नहीं खाता है, तो ये वपु देखना है। हेल्दी है कि नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है उसको, माना शकल मुरझाए हुए गेंदे के फूल की तरह हो, या फिर वो फूल तो हो लेकिन गोभी का फूल हो, ऐसी स्थिति में उससे शादी कैसे करेंगे। वैसे आजकल मैं बड़े बड़े कपल्स को देखता हूं कि फूली कचौरी जैसे, खस्ता कचौरी जैसे गाल होते हैं, पेट यहां से लटक रहा होता है, लड़कियों की बात कर रहा हूं, और टाइट जीन्स पहन करके बड़ी भारी भारी, बल्कि लिफ्ट भी हिलने लगती है जिस समय वो लिफ्ट में एंटर करती है, और लड़का बेचारा सुंदर सा, सुशील सा, सीधा सा, अच्छा सा, प्यारा सा, क्यूट सा, और उसके साथ साथ शादी करके और बड़े मजे में रहते हैं। यानी प्रोफेशनल कॉम्पेटेबिलिटी भी चेक करने लगे आजकल, क्योंकि लल्लू चाहिए दूसरा आदमी, हर एक आदमी लड़की भी और लड़का भी चाहता है कि लल्लू मिल जाए मुझे, लल्लू मिल जाए तो यस मैम, यस मैन या यस वूमेन रहेगी, हम बड़े मजे में वो अपनी जिंदगी काटेंगे। ये बात मानेगी या मानेगा, मैं इसको उठक बैठक लगाने के लिए कहूंगी या कहूंगा तो भैया ये उठक बैठक लगाएगी। इसलिए वपु यानी शरीर देखना है। अब एक हो गई टुनटुन, एक हो गया रणबीर कपूर, बताओ शादी कैसे चलेगी। फिर तो बेचारे वो लावारिस का गाना ही गाएंगे, जिसकी बीबी मोती उसका ही बड़ा नाम है। अब काली है, हालांकि ये डार्क फैंटेसी बड़ी अच्छी चीज होती है, चॉकलेट के लिए भी एक डार्क फैंटेसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और अच्छा भी लगता है, और ब्लैक कलर होना या सांवला कलर होना अच्छा होता है कि जो जो ये पिगमेंट्स हमारे स्किन में पाए जाते हैं उससे स्किन कैंसर नहीं होता। अंग्रेजों को स्किन कैंसर ज्यादा होता है जो भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे स्किन कैंसर नहीं होता। और सांवली लड़की या सांवला लड़का हो लेकिन खाता कमाता हो, अच्छा हेल्दी हो, खानदान अच्छा हो, तो कोई बात नहीं। फिर सबसे लास्ट में बताई उम्र, वयह, वयह माने उम्र। कुलम च शीलम च सनातताम च वित्तम च विद्याम च वपुर वयश्च, फिर उम्र देखनी है। तो उम्र का क्या है, हरियाणा में लोग कहते हैं साठे पे पाछा होता है। अब बहादुर आदमी तो आजकल 77-77 साल की उम्र में भी शादी कर लेते हैं, बड़े बड़े भजन गायक 65-66 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। खैर मेरी तो उम्र वो निकल गई, तो शादी करने की कोई उम्र नहीं होती, शादी कभी भी कर सकते हैं। वय में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल का अंतर, 6 साल का अंतर दोनों पति पत्नी में होना चाहिए। अब आजकल जमाना क्या आ गया कि लड़कियां अपने से छोटी उम्र के लड़कों को पसंद करने लगी हैं। रीजन चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं तो लड़कियों की तरफ ना देखता ना उनसे ज्यादा बातें करता, कर ही नहीं पाता, अपनी शक्ल ही ऐसी हो गई है। तो कम उम्र लड़की होनी चाहिए और थोड़ी बड़ी उम्र का लड़का होना चाहिए। अब इसके पीछे वो लोग समझते नहीं है, मेडिकल रीजन है, आयुर्वेदिक रीजन है और बायोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि स्त्री का शरीर जल्दी बूढ़ा होता है, नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, पुरुष में प्रोडक्टिविटी लंबे समय तक बनी रहती है। आयुर्वेद क्या कहता है कि पंच पंचाशत यानी 55 साल की उम्र इज द अपर लिमिट फॉर वुमेन, और 77 इज द अपर लिमिट, पुराने जमाने में हुआ करती होगी, 77 इज द अपर लिमिट फॉर मैन। अब बताओ ये 55 और 77 में जो 22 साल का अंतर रह गया, इस 22 साल के अंतर को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि 55 साल मेनोपॉज की एज होती है मैक्सिमम, और 77 ईयर तक प्रोडक्टिविटी पुरुष के अंदर बनी रह सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 5 साल कम हो उम्र तो अच्छी रहती है। मेडिकल साइंस क्या कहती है कि 30 साल से कम उम्र की लड़की हो
उसके बच्चे जो पैदा होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं, हेल्दी होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, उनका दिमाग भी ठीक से काम करता है। 30 साल के ऊपर जब बच्चे पैदा होते हैं तो कोई रेयर ही ऊपर वाला पैदा कर दे, उनको कुछ न कुछ मेडिकल डेफिशिएंसी या फिजिकल मेंटल डेफिशिएंसी रह सकती है। इसलिए स्वस्थ बच्चे के लिए मैक्सिमम उम्र संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष के लिए 35 साल और स्त्री के लिए 30 साल ये मान करके उन्होंने आज से 5 साल का अंतर उन्होंने आपको बताया। तो वयस जब नहीं तो आज भी बुढ़ापे की औलाद कहकर के मुहावरा बनाया जाता है कि जो बुढ़ापे की औलाद होती है वो दुख देती है, क्योंकि बहुत लेट बच्चे पैदा होना मुश्किल करेंगे। अब 35 साल की उम्र में आपका बच्चा पहला मैक्सिमम आपका चैप्टर क्लोज हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 जितने बच्चे आपको पैदा करने हैं, आप चेस की टीम बनानी है आपको या फिर फुटबॉल टीम बनानी है आप पर डिपेंड करता है, लेकिन 35 साल की उम्र तक वो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। क्योंकि जब वो 25 साल का होगा पहला बच्चा तो उस समय आप 60 साल के होंगे, तो तब तक आप उसकी अच्छी तरीके देखभाल करके आप रिटायर हो देंगे, वो कमाने लगेगा, तब तक आप उसको एस्टेब्लिश कर देंगे, ब्याह शादी कर देंगे, काम निवट जाएगा, आप आराम से अपना बुढ़ापा और अपनी रिटायरमेंट की एज बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके उन्होंने अनुपात रखा था। आजकल एक नई बीमारी हो रहा हो गई है, 10-15 साल पहले लड़की लड़कियों को मैं देखता था सुनता था, मेरी बारात देखने की आदत होते शादी नहीं करी मैंने, शादियों में जाने का मेरा शौक नहीं है, मैं बारात से देखता हूँ, तो बारात से देख देख करके मुझे क्या पता लगा कि लड़कियां कहती हैं कि वो कहते थे कि उन्होंने DINK एक टर्म बनाई, DINK, डी कैपिटल, आई कैपिटल, एन कैपिटल, के कैपिटल, डिंक, तो वो डिंक उनकी थ्योरी थी, उनका मूल मंत्र था डिंक। डिंक का मतलब होता है डबल इनकम नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स, तो उन्होंने इनकम तो डबल हो, यानी बीबी भी कमाती हो और पति भी कमाता और बच्चे पैदा ना करें, ये सिद्धांत बनाया था उन्होंने। आजकल एक उल्टा और सिद्धांत बन गया, इससे भी एक कदम आगे चले गए वर्चुअल वर्ल्ड में, वो कहते हैं कि डबल इनकम नो सेक्स, वो डिंस बना दिया उसको। तो ये वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो आज सिद्धांत आज नियम उन्होंने कुलम च शीलम च सनातताम च वित्तम च विद्याम च वपुर वयस्च, ये जो 7 क्राइटेरिया बनाए उन्होंने, ये 7 क्राइटेरिया सब जगह यूनिवर्सली हर ईरा में हर एज में लागू होंगे, इनका विचार करना है। गुणों से पहले कुंडली को देखना होता है। कुंडली को देखने के लिए क्या करना है भाई, सबसे पहले 18-20 दोष होते हैं कुंडली में, जहां जहां ये समस्याएं पैदा होती हैं। समस्याएं कहां पैदा होती हैं, शादीशुदा जिंदगी में जो भी कोई विघ्न आता है वो 2 कारणों से होता है, एक तो मनुष्यों की खुद की मेंटेलिटी कपल्स की, और दूसरे नंबर पर बाहरी कारण। भीतरी कारण क्या होते हैं कि जो वो कह रहा है वो मुझे नहीं मानना और जो ये कह रही है वो मुझे नहीं मानना, यानी दोनों में एडजस्टमेंट का टीम स्पिरिट का भाव ना होना, दोनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग ना होना, और ये इस तरीके से इस कारण से जो बातें पैदा होती है, नेगेटिविटी पैदा होती है, उसको हम बड़े आराम से अपने आप बुद्धिमानी से घर में बैठ करके सुलझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं बिना माँ बाप को इन्वॉल्व किए। और कुछ होते हैं फौरन, यानी बाहर से आने वाले कारण। बाहर से आने वाले कारण क्या होते हैं, उसमें माँ बाप की अतिरिक्त दखलंदाजी, चाहे लड़के के माँ बाप हो चाहे लड़की के माँ बाप हो। लड़के के माँ बाप को ये समझ नहीं आता कि ये जो बच्चे हैं इनकी जिंदगी इनकी है, इनके जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी उनकी सबसे पहले है, ये हमारे पोते पोती बाद में है, पहले उनके बेटे हैं, उनको देखना चाहिए, वो जिस तरीके से उनको रखना चाहते हैं, दखलंदाजी नहीं देनी है उनके जीवन में कि नहीं ये मत खिलाओ वो खिलाओ, ऐसे रखो ऐसे मत रखो, ज्यादा उपदेश देना भी गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो वो, और दूसरे जो माता पिता का दखल है, एक तो बाहरी वो हो गया, दूसरा दखल क्या है कि अचानक कोई दुर्घटना हो गई, वियोग हो गया। वियोग के कई रूप हैं। एक वियोग जो सबसे खतरनाक होता है और जिसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है और मछली के कांटे की तरह गले में अटक जाता है, वो होता है एक ही छत के नीचे रह करके मन ना मिलना। एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही कमरे में सो रहे हैं, एक ही बेडरूम में सो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मन नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा जो मानसिक वियोग है ये सबसे खतरनाक है।
ये डिप्रेशन की तरफ जाता है, आत्महत्या की तरफ जाता है, अपराध की तरफ जाता है और बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करता है। और शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं बीतती और जाहिर है कि फिर अच्छे नागरिक अच्छे बच्चे भी पैदा नहीं होते। इससे थोड़ा कम खतरनाक वियोग है ज्योग्राफिकल सेपरेशन, यानी मेरे साजन है उस पार मैं इस पार। ज्योग्राफिकल सेपरेशन कैसे होता है कि भाई लड़का यहाँ है या लड़का वहां नौकरी कर रहा है, लड़की की नौकरी यहाँ है या लड़की यहाँ रह रही है, किसी वजह से उसको वीजा नहीं मिला और वो उसके साथ जा नहीं सकती। दूसरा ज्योग्राफिकल सेपरेशन होता है कि घर से लड़ करके चले गए। मैंने आजकल जमाना देखा उल्टा, 70 के दशक में लाल किले में वो 15 अगस्त को वो कवि सम्मेलन हुआ करता था, मुझे अब तक याद है, रात को 30:30 चलता था, मैं जाया करता था, हमारी खतरों से घिरने की पुरानी आदत है। उस जमाने में लड़कों को रात को कोई खतरा नहीं होता था, आजकल लड़कों को खतरा होता है। तो एक कवि ने सुनाया था कि तुम मुझे छेड़ते हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो बोला 10 साल बाद वो जमाना आने वाला है कि लोग कहेंगे कि तुम मुझे छेड़ रही हो, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? तो आजकल वही हालत आ गई है, लड़कियां भी ईव टीजिंग नहीं करती, वो मैन टीजिंग करती है, बॉय टीजिंग करती है और वो भी रैगिंग करती है कॉलेज में स्कूलों में, लड़कियां भी कम नहीं है भाई, बराबर कहा क्या? तो ऐसी स्थिति में ज्योग्राफिकल सेपरेशन जो हुआ वो दो तरीके का हुआ, एक तो काम के वजह से, रोजगार की वजह से कहीं दूर रह रहे हैं, और दूसरा रूट करके चले गए। लड़के भी आजकल घर छोड़ के जाने लगे हैं। ये मेरे अंदर से ऐसी आवाज कहां से निकलने लगी है, क्या हो रहा है भैया, कहां है तुम्हारा माइक वाला? मैं समझा बाहर कोई गधा बोल रहा है। लड़के भी अपने घर छोड़ करके जाने लगे। कई सारे केस मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब मैं तो बाहर किराए पे रह रहा हूँ, लड़की मेरे अपने मकान में रह रही है, मेरी वाइफ। मैंने कहा वेरी गुड। एक केस अभी हल हुआ पिछले साल 80 लाख में, लड़के की कोठी वो उसमें रह रही है और लड़का 15,000 रुपए महीना किराए पर रहा, 3-4 साल तक किराए पर रहा, उसके बाद फैसला हुआ, बोला जी मैं तलाक नहीं है। मैंने कहा तू उल्लू का बच्चा है, जब 4 साल से तू अलग रह रहा है, वो तेरे घर पे कब्जा जमा के बैठी हुई है, तो भैया तू तलाक ले ले। बोला जी हो गया तलाक। मैंने कहा जीते रहो, जाओ खुश हो। कितने में हुआ? बोला जी 80 लाख में। मैंने कहा बच गए, मकान तो छूट गया, 8 करोड़ का की कोठी जिसपे कब्जा जमा के बैठी थी, मैं सस्ते छूट गए, हो गया फायदा, जाओ दूसरी शादी कर लेना, करना हो तो, और नहीं करनी हो तो अपना ऐश करना ऐसे ही, क्योंकि आजकल ऐश करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं। पहले तो लड़की ही उठ करके जाती थी और मुल्ला की दौड़ मस्जिद से कहां जाती थी, मायके में। तो ये भी ज्योग्राफिकल सेपरेशन का एक तरीका, हमें इसको भी चेक करना है पहले कि ज्योग्राफिकल सेपरेशन का तरीका को किस से तो नहीं। तीसरा सेपरेशन है लीगल सेपरेशन, ये थोड़ा कम खतरनाक है, हो गया तो कोई बात नहीं, किस्सा मुकाया, निपटा, खाता बंद हो गया। और इसके बाद जो सबसे खतरनाक जो वो है रिलेशन या सेपरेशन, वो है भाई नेचुरल सेपरेशन दैट इंक्लूड्स डेथ ऑफ आइदर साइड। दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु, तो बेचारे दुखी हो गए, उनके जीवन डेजर्टेड हो गया। तो वियोग को देखना है। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1, 4, 1, 2, 4, 7, 8, 10 और 12 कितने हाउस आ गए, इन सारे हाउसेज को चेक करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 इतने सारे हाउसेज को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? शास्त्र ने बताया कि लग्न में लड़के लड़की का शरीर होता है, उनकी आदतें होती हैं, उनका टेम्परामेंट होता है, उनकी नेचर होती है। जब आप उन सब चीजों को चेक कर लेंगे, सभी तो बराबर की नेचर का बराबर की नेचर वाले से मिलान करेंगे, शील स्वभाव, एक सिगरेट पीता है और लड़की भी सिगरेट पीती है, तो भैया बहुत बढ़िया निप जाएगी। एक पान खाता है, वो भी पान खाता है, बहुत अच्छी निप जाएगी। एक विस्की पीता है, एक वाइन पीता है, एक दूसरा भी वाइन पीता है, बड़ा अच्छा निप जाएगा। एक को मॉडर्न विचारधारा है,
बाहर का खाना मंगाते ही खाया जाता है, स्विगी से या पता नहीं कहाँ कहाँ से आजकल वो आने लगे हैं खाने। तो इसलिए 10 साल बाद 15 साल बाद क्या स्थिति होगी कि हमारे बच्चे घर में क्या कहा करेंगे अपने बच्चों को कि पुराने जमाने में हमारे घर में एक किचन हुआ करता था और उस किचन में 3 टाइम खाना बनता था बेटे। बोला है पापा ऐसा होता था, ये हालत आ जाएगी। अभी से वो हालत आने लगी है, हर सैटरडे संडे को पता नहीं मुझे क्या उनको खाना बनाना नहीं आता है, ज्यादा पैसे आते हैं, हर कहीं रास्ते में रेस्टोरेंट के आसपास भीड़ लगी होती है, जाम पड़ा होता है। ये बीमारी अभी से पैदा होने लगी है, खाना बनने का तो मतलब ही नहीं घर में आजकल, तो खाना आ जाता है रोज बाहर से। तो ये जो मनोवृत्ति है ये कहां से पता लगेगी, आज से कहां से पता लगेगी, लग्न से पता लगेगी। लग्न में बैठा हुआ ग्रह लग्न को प्रभावित करने वाला ग्रह, लग्न की जो राशि है ये सब उसके स्वभाव को शील को बताएगी। अब उसको हमने देखा नहीं है, गुण मिला दिए। नंबर 2 सेकंड हाउस है परिवार का, सेकंड हाउस है स्पीच का। यदि लड़के लड़की के सेकंड हाउस में खराब ग्रह बैठा हुआ है, खासतौर से चंद्रमा बैठा हुआ है और वो भी 3 चंद्रमा या कृष्ण पक्ष का घटता हुआ चंद्रमा, तो उसके जुबान में कभी तो गुस्सा, कभी नमकीन, कभी मिठास, कभी खड़वाहट आती रहेगी और उसी तरीके से उसको खाने पीने का शौक भी होगा, यानी वो खाने पीने का शौकीन भी होगा, दारू वारू भी पिएगा, कोई ना कोई व्यसन भी होगा। और सेकंड हाउस परिवार का भी है, तो परिवार के दूसरे लोगों के साथ अच्छे व्यवहार ना, अच्छा व्यवहार ना करना, उनको परेशानी में डालना, उनको नीचा दिखाने के प्रयत्न करना या उनके ऊपर कड़वी भाषा में बोलना, वैसे तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है। शादी हो जाने के बाद लड़की लड़के के शादी के बाद वाले रिश्तेदारों को ओपनली चाहे कुछ भी कहे, लेकिन लड़का अपनी शादी के बाद वाले रिश्तेदारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकता। मेरे माँ बाप तक मत जाना, लड़की ऐसे उंगली उठा करके कहती है। और लड़की खुले आम अपनी सहेलियों में, किसी पार्टी में और खुद उसी आदमी के सामने कह सकती है, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया, तेरे भाई ऐसे हैं, तेरे भाभी ऐसे करती है, वो पार्टी करती है, वो ये करती है, वो कह सकती है, उनको अधिकार है। ये अधिकार क्या है? सेल्फ एक्वायर्ड राइट, ये अपने आप लिया हुआ है उन्होंने अधिकार। लड़की के माँ बाप को कोई कुछ नहीं कह सकते, उनके घर की कमजोरी को आप बता नहीं सकते। ये सेकंड हाउस से देखना है कि कितना अशेकिंग मैनर में वो लड़की या लड़का बोलता है, उसका परिवार जनों के साथ शादी के बाद वाले और शादी के पहले वाले रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसी बातचीत बोलेगा, वो लड़की के बाप को बाप मानेगा कि नहीं मानेगा, सेकंड बाप, फर्स्ट बाप तो मानता नहीं है। अब आइए थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस जो पड़ता है वो है हार्मोन्स का। अब व्यक्ति के शरीर में यदि हार्मोनल इम्बेलेंस है, हार्मोन्स की वजह से ही हम लोग क्या है, खुश होते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाना खाने की इच्छा होती है, हमारा कुछ पीने की इच्छा होती है। यदि उसी में इम्बेलेंस है तो हमारा मूड स्विंग होगा, और मूड स्विंग होगा तो बेचारे आदमी को घर में घुसने से पहले ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, रास्ते में फोन करके, वो मंथली पेमेंट करेगा मेरी सर्दी से, मुझे करते हैं लोग कि सर बताइए आज घर का माहौल कैसा है, मौसम का मिजाज कैसा है। तो भैया पहले वो बाहर बैठ करके मौसम का मिजाज देखेगा, तब बेचारा घर में घुसेगा, समस्या हो गई, मूड स्विंग है, पता नहीं कब कहां मूड चला जाए, कब 10 साल पुरानी बात याद आकर के उसी पर मुंह फुला करके बैठ जाए, और मुंह फुला करके भैंस के चौथ जैसा मुंह हो जाए या सरबूज जैसा मुंह हो जाए फूल करके, तो कोई क्या करेगा, समस्या हो गई। लड़के को भी इसी तरीके की बात हो सकती है, या स्पाउस की बात कर रहे हैं, किसी लड़के लड़की की बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड हाउस में जब हार्मोन्स का श्रवण, हार्मोन्स का प्रोडक्शन और रिलीज प्रॉपरली चेक किया जाता है, तो इसलिए हार्मोन से ही हमारे अंदर जेनरेटिव कैपेसिटी आती है, बच्चा पैदा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम एक दूसरे के प्रति रोमांटिक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कभी उसके मन में इच्छा होगी जिसके हार्मोन से बिगड़े होंगे वो क्या कहेगा कि तनुकोल बिछावा जी करदा, तनुकोल बिछावा जी करदा, उसके कोल ही नहीं बैठेगा जी,
बच्चे कहां से पैदा होने हैं, उसे फूटी आंख नहीं सुहाएगा, वो सुहाएगी वो। थर्ड हाउस आ गया, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस मित्रों का है, फोर्थ हाउस दूर के रिश्तेदारों का है। दूर के रिश्तेदार जब घर में आएंगे, वैसे तो एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि सास यदि आ रही है तो उसको स्टेशन पर दामाद को छुट्टी लेकर जाना ही पड़ता है, और यदि लड़की की सास घर में आ जाए और आने की संभावना भी हो जाए तो भैया घर में टेंशन हो जाती है, और आने पर उसके बैग को चेक कर लिया जाता है चोरी छिपे, कितनी साड़ियां हैं, कितने कपड़े लेके आई है, कितने दिन का प्रोग्राम है सास का। तो ये तो चलता है आम, लेकिन इससे भी अधिक जब हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। दूर का कोई रिश्तेदार आया, आपने कहा भाई इनके लिए कुछ चाय पानी बना, हाँ बनाते हैं, और बैठे रहे, और जब बनाने भी गए मुश्किल में तो किचन में फ्राई पैन को पटका, आवाज करी, कप को ऐसे रखा स्लैब पर कि आवाज बाहर तक आई, फिर उसके बाद बिस्किट नमकीन या काजू पाजू कुछ रखे, अपने घर से आया हो तो काजू राजू बादाम बादाम रख दिए जाते हैं या काजू वाली नमकीन रख दी जाती है, और जब लड़के घर से कोई आया हुआ हो तो भैया सामान्य सी चीज रख करके कोई पार्ले जी का बिस्किट बिस्किट रख करके सरका दिया और दाल भीगी रख दी बजे राशि, तो उसको रखने में आवाज करते हैं। फिर लाएंगे चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल नहीं रखेंगे, सामने ऐसे रखेंगे ट्रे के रखने की टेबल पर आवाज आ जाती है, तो सामने समझ जाता है कि मौसम जरा खराब है, भैया यहाँ कम आना चाहिए। तो दूर के रिश्तेदारों के साथ या दूर के रिश्तेदारों के घर में आने से आपके घर का माहौल क्या होगा, इस बात का निर्णय करना है चौथे घर से, इसको चेक करना होता है पहले। चौथे घर में ही सास है और चौथे घर में ही दोनों की सास है, लड़की की भी सास चौथे घर में है और लड़के की भी सास चौथे घर में है, तो चौथे घर में सास के साथ कैसे रिलेशन होंगे इस बात का ही पता वहां से पता लगेगा। कई सारी लड़कियां आजकल अकेले में सास को कह रही हैं, तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगी, तजुर्बे से बता रहा हूं। तो ये चौथे घर से देखना है कितनी आक्रामक है, कितनी हमलावर लड़की है, कितना हमलावर लड़का है। अब सातवें घर में, पांचवें घर में आ जाइए, पांचवें घर में थॉट प्रोसेस है हमारा, हमारी बुद्धि है, हमारा विजडम है, हमारी बुद्धिमानी है। यदि खराब से खराब सिचुएशन भी आ गई तो व्यक्ति उसको टैकल करने की कोशिश करता है, बुद्धिमान आदमी उसे पार पाने की कोशिश करता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है। दो तरीके हो गए, एक की कुंडली में बहुत खराब योग पड़े हुए हैं, बदकिस्मती के योग पड़े हुए हैं, तो दो रास्ते हैं उसके पास, एक तो आत्महत्या कर ले, किस्सा खत्म हो गया, कुंडली बदल जाएगी अगले जन्म में, और दूसरा क्या है कि अपनी उस बदकिस्मती को दूर करने के लिए लगातार मेहनत करे, बुद्धिमानी से किसी अच्छी दिशा में कदम बढ़ाए, और जैसा है जहां है सफलता पाना चाहे लगातार संघर्ष करके सफलता प्राप्त करे। तो दूसरे वाला रास्ता वो लोग नहीं अपनाते जो पांचवा घर जिनका कमजोर होता है, आत्महत्या करने की टेंडेंसी तीन और पांच दोनों घरों को देखने के बाद तय होगी, ये लड़की पंखे से तो नहीं लटक जाएगी, या अपने आप चाकू मार करके 100 नंबर पर फोन तो नहीं कर देगी, या अपना सर अपने आप फोड़ करके सर फोन तो नहीं कर देगी। सब ये पांचवें घर से देखी जाती है भाई, पांचवा घर देखना जरूरी हो गया। अब सातवें घर पे आइए, सातवें घर में स्पाउस होता है, स्पाउस का मतलब लड़के की कुंडली है तो उसकी बीबी, और लड़की की कुंडली है तो उसका पति। क्या हुआ भाई, कुछ नाराजगी है क्या? सिक्स तो छोड़ दिया था हमने पहले ही, हमने लिस्ट बताई थी पहले। तो सातवें घर में दोनों के पर्सनल रिलेशन कैसे हैं इस बात को देखा जाएगा, सेक्सुअल अर्ज कैसा है उनका, उनकी जनरेटिव कैपेसिटी कैसी है, वो बच्चा पैदा भी कर सकेंगे भी नहीं कर सकेंगे, ये सातवें घर से चेक करना है। शादी भी हो गई, लड़का ही बहुत बढ़िया है, खानदानी भी है, कमाता भी अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन बच्चा पैदा करने के नाम पे बस वो ही है, तो क्या होगा, हो गया ना काम, सलाख होगा, इम्पोर्टेंट हो गया जो बच्चा लड़का या लड़की बांझ हुई, या उसको पीरियड्स नहीं आते होंगे, वुमेनहुड या मैनहुड नहीं है उनके अंदर, शादी का मतलब ही खत्म हो गया,
इसलिए सेवंथ हाउस बिकम्स मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. एट्थ हाउस उनकी जनरेटिव कैपेसिटी, चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी इत्यादि बातों को देखने के लिए देखा जाता है. अभी तक तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन अब जज साहब आ गए हैं, वो निर्णय करेंगे कि हम सही बोलते हैं गलत बोलते हैं. क्योंकि बिना जज के बोलना तो ऐसे ही होगा जैसे सभापति के बिना सभा चल रही हो. तो सातवां आठवां घर बिगड़ा हुआ है, तो अब तो जज साहब आ गए हैं. शादी आपकी टूटेगी, जिंदगी भर बेटा आप उम्र कैद में रहोगे या नहीं रहोगे, अलोंग विद योर हेल्दी जेलर, ये आठवें घर से तय किया जाता है. आठवां घर उनके प्रोडक्टिविटी का भी वो है, सीजेरियन तो नहीं होगा, इसको बच्चे आराम से पैदा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब आठवें घर से देखा जाएगा. नाइन्थ हाउस क्या है कि सुहाग का हाउस है, सौभाग्य का हाउस है, पूर्व पुण्य का हाउस है. तो जैसे कर्म किए हैं आपने पूर्व जन्म में, वैसा ही पति या वैसी पत्नी आपको मिलेगी, वैसे ही बच्चे मिलेंगे. पूर्व जन्म के कर्मों से तो सब मिलते हैं भाई, पहले से लिखा होता है, अभी बताएंगे कैसे लिखा होता है. आप इतनी नाराजगी से मेरी तरफ मत देखिए, ये हकीकत है. अच्छा है तो, बुरा है तो, जो आपकी किस्मत में लिखा है वही मिलेगा आपको, आप उसको रोक नहीं सकते. इसीलिए अच्छा तरीका क्या है कि जो है जहां है एज इज वेयर इज बेसिस पे उसको अपनाओ, खुश रहो और अपनी जिंदगी को हेल मस्त करो, अपनी जिंदगी को सर्ग बनाओ. और यमराज के यहां भी, धर्मराज के यहां भी ये नियम है कि जब लाइन लगती है और उनका वो खाता बही खोला जाता है कर्मों का, तो एक पुजारी था, उसको कहा, इसको यमराज ने कहा साहब नरक में भेज दो. बोले बहुत झूठ बोलता था, झूठी पूजा करता था, दिमाग तो उसका चढ़ावे पर रहता था, घंटी बजाता रहता था और गुनगुन करता रहता था. उसके बाद आया पति, एक शादी, बोला इसने साहब शादी की है, बोला स्वर्ग में भेज दो. चित्रगुप्त बोला क्यों, इसने भी तो बहुत झूठ बोला होगा. तो जिस तरीके से वैदिक की हिंसा हिंसा न भवसी, टैक्स की चोरी चोरी नहीं होती, उस पर कोई सजा नहीं मिलती, उस पर वो दफा नहीं लगती, चोरी पे कौन सी दफा लगती हो, तो ये जो साहब बताएंगे, उसी तरीके से शादीशुदा जिंदगी में झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता. क्योंकि कई बार आपका जीवन साथी आपसे तैयार होने के बाद शीशे में से पूछ के ऐसे घूम के उठते देखने कैसी लग रही हो जी मैं, तो आप तो कहोगे कि ठीक अच्छी लग रही हो भाई. इस झूठ को झूठ नहीं मानता यमराज. तो उसने कहा इसको स्वर्ग में भेज दो, नरक तो बेचारा पहले ही भोग चुका है. तो इस तरीके से भाई एट्थ हाउस पता लगता है, नाइन्थ हाउस उनके पुण्य का पता लगता है कि इसके किस्मत में कैसा आदमी या औरत लिखी थी. टेंथ हाउस हमारी मेंटेलिटी है, हमारा ब्रेन है, फिजिकल ब्रेन. इस ब्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, खोपड़ी खराब है किसी की या दिमाग में किसी के कीड़ा है तो टेंथ हाउस से पता लगेगा. और इलेवंथ हाउस, तीन का ग्यारह त्रिकोण है सप्तम का, इसलिए इलेवंथ हाउस से भी हमें पता लगेगा कि सेवंथ हाउस की स्टेबिलिटी कितनी है. और ट्वेल्थ हाउस तो भैया बेडरूम का है. ये बेडरूम की स्पेलिंग कभी कभी बदल जाती है, बीएडी बेड हो जाता है. तो बेडरूम में आपके पर्सनल रिलेशन कैसे हैं, आपका अट्रैक्शन कैसा है, एक दूसरे को छूने के तरीके आपको कैसे हैं, आपका वहां व्यवहार कैसा है, कोऑपरेटिव है, प्यार भरा है, केयरिंग है कि नहीं है, तो ये सब ट्वेल्थ हाउस से पता लगेगा. अब कितने हिस्से बच गए, लेकिन छठा रह गया था भाई. इस छठा घर हमें कह रहा है कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है साहब. क्योंकि 3, 6, 10, 11 ये उपचय हाउस है. 3, 6, 10, 11 व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म का, व्यक्ति के हॉर्मोन्स के प्रॉपर प्रोडक्शन और रिलीज के हाउस हैं. इसलिए छठे को भी इन्वॉल्व कर लीजिए. अब एक गुण मिला करके कहां से आप इन कुंडलियों का विचार करेंगे, मेरी समझ में ये बात नहीं जा सकती. सीधे गुण मिला दिए, पहले इन सब चीजों को देखना है. अब उसी चीज को डिस्कस करते हैं.
शास्त्रकार क्या कहते हैं कि लग्न के जो दोष हैं, उन दोषों का हमें निराकरण पहले कर लेना चाहिए। चंद्रमा मन है और सूर्य प्रोजेनी का कारक है, संतान का कारक है, प्रोडक्शन का कारक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द पोजिशन और डिस्पोजिशन ऑफ द सन एंड द मून इन ए गिवन चार्ट। जब तक हम उस चार्ट में सूर्य चंद्रमा की स्थिति को नहीं देखेंगे तब तक हम मिलान नहीं कर सकते, तब तक उनकी मेंटलिटी पता नहीं लगेगी। पुरुष की और स्त्री की मेंटलिटी कहां से पता लगती है? शास्त्रकार क्या कहते हैं कि सत्वम रेश समानसी तिंशान से भास्करम ज्ञावस भास्करम ज्ञादृक। जिस तरीके से जिस त्रिंशांश में सूर्य होता है कुंडली में, त्रिंशांश कुंडली, सूर्य मंगल की राशि रजोगुणी है, बृहस्पति शुक्र की राशि सतोगुणी है, बाकियों की राशि समोगुणी है। तो इसी तरीके से चेक हमें दूसरी लड़की की या लड़के की कुंडली में भी करना चाहिए। यदि दोनों सतोगुणी है, दोनों तमोगुणी है, दोनों रजोगुणी है, कोई बात नहीं, अच्छी निभेगी। त्रिंशांश से ही व्यक्ति के चरित्र का पता लगता है। चरित्र का कैसे पता लगता है? मंगल के लग्न हो या शुक्र के लग्न हो, मेष वृश्चिक और वृष और तुला, इन लग्नों में सबसे ज्यादा शादीशुदा जिंदगी में विघ्न पड़ने के योग बनते हैं। आप यदि किसी कोर्ट कचहरी जाकर के डाटा कलेक्ट कर लें, उसमें आप देखेंगे जितने लड़के लड़कियों के तलाक होते हैं उनमें मेजोरिटी ऐसे लोगों की होगी जो मेष वृश्चिक लग्न में पैदा हुए होंगे या वृष तुला लग्न में पैदा हुए होंगे। उसकी वजह क्या है कि मंगल और शुक्र और सूर्य और चंद्रमा, ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। लग्न में त्रिंशांश यदि लग्न में मंगल का ही लग्न है या शुक्र का लग्न है, उनमें मंगल का या बुध का त्रिंशांश आ जाता है, तो भाई लड़के या लड़की के अंदर चालाकी ज्यादा है, छुपाव की भावना ज्यादा है, बदमाशी ज्यादा है, हेरा फेरी की भावना ज्यादा है। और यदि बृहस्पति का और शुक्र का लग्न है, लेकिन शुक्र के लग्न में शुक्र का त्रिंशांश खराब है, शनि के लग्न में शुक्र का त्रिंशांश खराब है, चरित्र से संबंधित शिथिलता आ जाती है, कैरेक्टर लूज हो सकता है, उनको लाइन लगाने की आदत होती है, घर के बाहर मुंह मारने की आदत होती है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों की फितरत में क्या होता है, घर की खांड किरी किरी लग गए और गुड़ मिठा से चोरी का, घर की तो खान उनको किरकिरी लगती है और बाहर का चोरी का गुड़ मीठा ज्यादा लगता है, तो ये समस्या होती है। तो इसीलिए त्रिंशांश से व्यक्ति के लड़के या लड़की के स्वभाव को, शील को, कैरेक्टर को, एक्टिविटीज को, बिहेवियर को सबसे पहले चेक करना चाहिए। अरे गुण क्या अचार डालेंगे। इसको पीटू क्या बोला इसने? अच्छा रिपीट कर दूं? अरे मुझे सुनाई पड़ा पीछ दो, मैंने कहा यार ऐसी उठपटांग काम मैं कैसे कर सकता हूं। तो भाई त्रिंशांश में मंगल और शुक्र के लग्न हो, यदि लग्न में और उनमें मंगल और शुक्र के ही त्रिंशांश पड़ जाए तो खतरनाक है, नॉट डिपेंडेबल कैरेक्टर। यदि बृहस्पति और बुध के त्रिंशांश है तो क्रिएटिविटी, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइन आर्ट्स, इस तरीके की आदतें हो सकती है, घर को सजाने संवारने की आदतें अच्छी हो सकती हैं, अच्छी चीज अच्छी लाइकिंग्स हो सकती है उनकी स्टैंडर्ड की। और चंद्रमा का त्रिंशांश तो होता ही नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। चंद्रमा का तो सूर्य चंद्रमा के त्रिंशांश नहीं होते, G30 नहीं होते। दूसरे लग्नों में बुध बृहस्पति शुक्र के त्रिंशांश अच्छे हैं, शनि का त्रिंशांश जहां भी कहीं पड़ेगा तो उनके अंदर कुली की आत्मा होती है,
जिसके अंदर शनि का संचांश होता है किसी भी लग्न में, तो उनके अंदर कुली होता है, कुली की आत्मा आ जाती है। कुली की आत्मा का मतलब क्या हुआ कि सारी दुनिया का बोझा हम उठाते हैं, यानी वो घर की सारी जिम्मेवारियां निभाएंगे, बिना थके लंबे समय तक काम करेंगे, कोई उनका शोषण करता रहे, कोई उनको एक्सप्लॉइट करता रहे, कोई बात नहीं, वो उसको अपने ड्यूटी समझ करके निभाते जाएंगे। कोई लूट के ले जा रहा है, कोई बात नहीं। तो इन सब बातों से भैया सबसे पहले हम कैरेक्टर को तय कर लेंगे, बिहेवियर को तय कर लेंगे। कुलम च शीलम च, कुल खानदान, कुल का तो पता लग्न से ही पता लग जाएगा, कैसा चरित्र है, कैसी उसकी आते हैं, कैसी उसकी बिहेवियर है, कैसा उसका टेम्परामेंट है, कैसी नेचर है, क्या क्या उसके अंदर गुण है, इससे खानदान पता लग जाएगा। तो खानदान तो आउटर है, क्योंकि साधु के घर में भी डाकू पैदा हो जाते हैं, डाकुओं के घर में भी साधु पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति की जो अपनी विशेषता, खुद की निजी विशेषता है, यदि वो स्ट्रांग है तो माँ बाप कुछ भी कहें, बहकाने वाले उनको कुछ भी बहकाएं, वो कहेंगे कि मेरा घर है, मैं ही संवारू। जैसे अभी कुछ दिनों पहले डायलॉग दिखा हुआ था दिल्ली की सड़कों पर, मेरी दिल्ली मैं ही संवारू, तो मेरी गृहस्थी मैं ही संवारू, आप कौन। यानी वो सिखाने वालों को, भड़काने वालों को आंख दिखा करके, उंगली दिखा करके बंद कर देंगे कि रहने दीजिए मम्मी पापा, आपको ज्यादा दखल करने की जरूरत नहीं, हम निमट देंगे। बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है। लग्न से पता लग गया, त्रिंशान से उनका शील पता लग गया, अब सनास्ता कैसे पता लगेगी। सनास्ता सूर्य चंद्रमा से पता लगेगी कि माँ बाप सपोर्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। जिसका सूर्य नीच में है, उसकी लड़के की या लड़की की अपने ससुर से नहीं बनेगी, और जिसका सूर्य नीच में है, खराब पोजीशन में है, अशुभ पंचक में है, तो बेचारे के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसका खुद के माँ बाप उसको घटिया बात सिखाएंगे, उसको गलत तरीके से इंस्पायर करेंगे, उसको गलत शिक्षा देंगे, तो बिगड़ गया घर आपका। इसलिए सूर्य की शुभ पंचक स्थिति को सबसे पहले चेक कर लिए कि वो अपनी उच्च में है, मूल त्रिकोण में है, अपनी राशि में है, असी मित्र की राशि में है, मित्र की राशि में है, वेल प्लेस्ड है कि नहीं है। यदि सन वेल प्लेस्ड नहीं है तो सन कारक है पिता का, इसलिए पिता की तरफ से कमजोरी आ जाती है। कुछ तो जेनेटिक बिहेवियर उसके अंदर, जेनेटिक खराबियां आ जाती है उस लड़के में, लड़की में, और कुछ उसके माँ बाप दखल अंदाजी दे करके, उसको ट्यूशन दे दे करके, उसको कोचिंग दे दे करके उनके घर गृहस्थी को बिगाड़ दिया करते हैं। और यदि गलती से ऐसे सन का संबंध कभी सेवंथ हाउस से बन गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो घर बिगड़ा ही बिगड़ा, शादी टूटी ही टूटी, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, चाहे गुण 36 के 36 मिल जाए। अब आइए चंद्रमा पर। चंद्रमा माँ है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप लोग ज्योतिष में ही बात पहले पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा माँ होती है। चंद्रमा खराब है तो माँ खराब है, या तो लड़की की माँ खराब है, उसको गलत शिक्षा देती है, हर घड़ी घड़ी उसे फोन करके पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, से हर रोज की रनिंग कमेंट्री चाहिए 24 घंटे की। हाँ अब वो वहां गए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हाँ मैं तो लेटी हुई हूँ, नाश्ता बना से रख दिया मैंने, पति के तो देसी घी बना दिए थे पराठे, हाँ ऐसे ही किया कर, और दूसरों को सबको डाल डाल के बना के दे दिया कर। अच्छा, और बासी आटे की रोटी या पराठा बनाना है नाश्ते में तो उनका बना दिया करो, बाकी लोगों का अपने अपने उसको दामाद जी को तो ताजी आटे की दिया करो, हाँ मम्मी ऐसे ही करती हूँ। तो ऐसे ऐसे समाचार रोज 24 घंटे के जो एक नाम मोबाइल पे जब मिलते रहेंगे, और रात को सोते समय भी चक्की के साथ मोबाइल लगा करके ऐसे बात करें, हेलो इसने धीरे धीरे बात करते हैं, मुझे तो बड़ा साजुब होता है, इसने पास में बैठी होगी लड़की और बात कर रही होगी और हमें सुनाई नहीं पड़ेगा और उसको सुनाई पड़ जाता है। मैंने कहा यार कमाल इनकी हियरिंग कैपेसिटी इतनी जबरदस्त कैसे है। तो प्यार करने से और उत्पटांग प्यार करने से एक नई कैपेसिटी और पैदा हो जाती है। तो चंद्रमा खराब है तो भैया घर बिगड़ गया। घर बिगाड़ेगा कौन, या तो छोरे की माँ बिगाड़ेगी या छोरी की माँ बिगाड़ेगी। वो उसे हर वक्त शिकायत करती रहेगी माँ लड़के की, तेरी बहू ने ऐसे किया, तेरी बहू ने ऐसे किया, तेरी बहू ने ये किया, तेरी बहू ने वो किया। यानी उसको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत पड़ेगी, एकोमोडेट करने में दिक्कत पड़ेगी। और चंद्रमा खराब होगा तो उसकी खुद की मेंटेलिटी भी खराब होगी, कि चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए यदि कोई मुझे समझाए कि इस समय रास है तो मेरा दिमाग यदि ठीक ठिकाने पर काम करता है तो मैं रात क्यों मानूंगा।
लेकिन मैं इस दिन को रात सभी मानूंगा जब मेरा ऊपर का माला खाली होगा, मेरा ये पेंट हाउस बिल्कुल खाली होगा। तो चंद्रमा जिसका नीच है, उसकी कमजोर है, तो उसकी माँ भी गलत सीख देने वाली और वो खुद भी गलत सीख अडॉप्ट करने वाली, या वाला तो बिगड़ गया काम। इसलिए सूर्य चंद्रमा को पहले देख लो, उससे सनासा पता लग जाएगी कि घर वाले इसको कैसी ट्यूशनिंग देते हैं, माँ बाप दोनों पक्षों के। कुलम च शीलम च सनासताम च विस्तम विस्तम। धन कहां से पता लगेगा? अरे सेकंड हाउस में तो धन है, और इलेवंथ हाउस में धन है, और नाइन्थ हाउस में धन है, पंचम में धन है, इसलिए हमने इन सारे हाउसेज को इन्वॉल्व किया। ये त्रिकोण बलवान है, नाइन्थ हाउस बलवान है, कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, अच्छी घड़ी में बच्चा पैदा हुआ है। घड़ी की बात में करेंगे, अभी घड़ियाल की बात कर लेते हैं। तो भाई धन संपत्ति अच्छी है, घर में खुशहाली रहेगी, दोनों का एक दूसरे संबंध होने के बाद बढ़ोतरी होगी, देर सवेर वो सफलता पाई लेंगे, उनके जीवन में आराम खुशहाली आई जाएगी। तो इनका विचार कर लिया। विद्या, विद्या के स्थान कौन कौन से हैं जी? हमका तो नहीं ना मालूम भैया, सेकंड फोर्थ फिफ्थ नाइन्थ में तो सब चीजें हैं, सेकंड फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ हाउस इज द बेसिक एजुकेशन और स्कूली एजुकेशन, सेकंड हाउस इज द हायर एजुकेशन, हायर प्रोफेशनल एजुकेशन, और फोर्थ हाउस एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ एजुकेशन एक्वायर्ड। प्रोफेशनल एजुकेशन आपने ले ली, लेकिन उसका आप इस्तेमाल करेंगे अपनी अर्निंग के लिए या नहीं करेंगे, ये फोर्थ हाउस से देखेंगे। कई सारे लोग डॉक्टर हो जाते हैं लेकिन डॉक्टरी नहीं करते, बहुत सारे लोग सब्जेक्ट कोई और पढ़ते हैं लेकिन नाम किसी और में कमा लेते हैं, क्या है भाई? तो ये स्थिति चौथे घर से देखी जाएगी। तो एजुकेशन को कहां देखना है? दो चार पांच को देख लो, दो चार पांच बलवान है, इसलिए दो चार पांच पहले भी हमारी लिस्ट में थे, उनके विचार करने से यदि वो वेलफेयर हैं, उन पर अच्छा प्रभाव है, उनके ताकतवर ग्रह वहां बैठे हुए हैं या ताकतवर उनके स्वामी ताकतवर हैं या कोई संबंध बना रहे हैं। हाँ एक बात याद रखिए, कोई भी ग्रह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यदि वो पार्टिसिपेट करता है कुंडली में कोई अच्छा योग बनाने में तो उसकी कमजोरी खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरीके से कि 145 पर सरकार बनती थी लेकिन 142 ही सीट हमारे पास थी, तो वो जो तीन आदमी है निर्दलीय वो कितने इम्पोर्टेंट हैं ये आप समझ सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इफ ए प्लैनेट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर योगा पोटेंट योगा, तो तब तो उसके उसको सिंदूर लग गया। ऐसे ग्रह को सिंदूर लग जाता है, सिंदूर समझते हैं आप क्या होता है? अरे नहीं भाई, उसके तो सभी सिन दूर हो गए, उसके तो सभी पाप धुल गए, वो तो सरकार में आ गया। इसलिए यदि कोई कमजोर भी ग्रह है उसको एकदम रिजेक्ट मत करो, ये देखो कि उसकी वजह से कोई योग तो नहीं बन रहा है, कोई योग बन रहा है तो उसकी नीचता कमजोरी इग्नोर कर दो, ओवरसाइट करो। इसलिए दो पांच दो चार पांच से पता लग जाएगा। वित्त का भी, ग्यारह में भी वित्त है इनकम का, टेंस में मेंटेलिटी है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, इसलिए टेंस हाउस को इन्वॉल्व किया था हमने। तो कुलम च शीलम च सनासताम च विद्याम च वित्तम च विद्याम च वपुर वयश्च। वपु वपु माने शरीर, शरीर तो पूरी कुंडली बता देगी। लग्न नवांश अप्तुल्य सनुस्यात, लग्न में जिस ग्रह का नवांश होता है, जैसा नवांश राशि होती है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होता है, उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर उसी तरीके का होगा जैसे नवांश राशि होगी, उसी से उसका कॉम्प्लेक्शन तय हो जाता है कि ये काला होगा कि गोरा होगा। तो वहां से वपु पता लग गया। अब वय, वय माने उम्र। अब उम्र को देखना बहुत जरूरी है भाई। अब माना किसी की उम्र है 80 साल और किसी की उम्र है 75 साल, चल जाएगा, चल जाएगा।
लेकिन किसी की उम्र 80 साल और किसी की उम्र 50 साल, तो 30 साल का अकेलापन काटना भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई विद्या भी आ गई, वपु भी आ गया, उम्र भी आ गई। उम्र के लिए हमें देखना है सूर्य चंद्रमा ये ताकतवर है कुंडली में, और लग्न ताकतवर है तो व्यक्ति जिएगा। अब वो खून पी करके जीता है या पानी पी पी करके जीता है ये तो सेकंड स्टेप में देखेंगे, लेकिन जिएगा, जिएगा और तुम्हारा खून पिएगा। एक, आठ, सूर्य और चंद्रमा, ये चार फैक्टर आर द फोर पिलर्स ऑफ नेटिव लॉन्जेविटी। इनमें से जितने पिलर कमजोर है उतनी उम्र कम है, चारों पिलर मजबूत है लंबी उम्र है। तीन पिलर कमजोर है, तीन पिलर अच्छे हैं तो भैया मीडियम प्लस उम्र है। दो पिलर हैं तो मीडियोकर उम्र है, और भैया तीन पिलर कमजोर हैं तो गए काम से जल्दी राम नाम सच हो जाएगा। तो ऐसी हालात में ये जो फैक्टर हमने बताए थे भैया चेक कर लिए, अब मुझे बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ या शास्त्र के खिलाफ बोल रहा हूँ। ये मंदिर का पंडित कुंडली मिला करके गुण मिलान बता करके कैसे इन सब चीजों के साथ न्याय कर पाएगा मुझे बताइए। इसीलिए कुंडली मिलान करना, दो व्यक्तियों के जीवन के भविष्य का निर्धारण करना होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है जिसमें सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी है, व्यक्ति की और शास्त्रीय जिम्मेवारी है। वो कैसे कुंडली मिलान कर करके इससे निर्णय कर देगा, आपने कह दिया कर लो शादी। इस तरीके के हजारों नहीं, अपने तजुर्बे के 20वें एग्जाम्पल हमने इस पुस्तक में दिए गए हैं जो आपको भेंट की गई है यहाँ। इसलिए हमने इसका नाम रखा था विवाह, आह या वाह, क्योंकि विवाह शब्द में दोनों चीजें हैं, आह भी है और वाह भी है। अरे किसी की जिंदगी में तो शादी होने के बाद वाह वाह हो जाती है, और किसी की जिंदगी में आय हाय हाय होता रहता है। अब बताओ यहाँ छाती पर हाथ रख करके बेचारा शादी के बाद पछताता ही रहता है, पहले कहता है कि मैंने प्यार किया, फिर बाद में कहने लगता हाय मैंने क्या किया। अब इन सब चीजों के अलावा हमें ये देखना है कुंडली में सारे हाउस अच्छे हैं, सारी सारे फैक्टर्स सारी कड़ियां बिल्कुल सही मिल रही हैं, लेकिन जो घड़ी है पैदा होने की उसमें ऐसा जबरदस्त दोष है कि वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। ऐसा हुआ कि हमारी आदत है शुरू से आंखें खुली रखने की, हमारे गुरु भी कहा करते हैं कि जिंदगी में बेटा आंख नाक कान खुली रखना, क्योंकि ज्ञान का समुद्र तेरे चारों तरफ उछाल मार रहा है, उसकी लहरें उठी उठती चली आ रही है, जितना ज्ञान समेट सकता है समेट ले। इसलिए बचपन से ही मैं तो बड़ा ऑब्जर्वेंट था। हमारे पड़ोस में एक लाला जी रहते थे 10-11 घर छोड़ करके, उनकी एक लड़की थी, वो कुछ कुछ ऐसी थी जैसे कपिल शर्मा के शो में वो एक मोटी सी लड़की आती है ना, पता नहीं क्या नाम है, वो बड़ी फेमस हो गई है आजकल, काली भी थी और बिल्कुल उसी साइज की थी। अब वो लाला अपने बड़े भाई के पास बैठा, दोनों की बराबर बराबर दुकान थी, और हम अपने बाबा जी को चाय देने जा रहे थे, तो वैसे हाथ पर रखते भाई इस छोरी का ब्याह कैसे होगा। तो उसके बड़े भाई ने लड़की के साऊ ने क्या पते की बात बताई, मुझे अब तक याद है। बोला बावड़ा हो रहा के भैंस के गले में भी सोने का हार गिर दो तो बिना दूध देने वाली भैंस को भी लोग ले जाएंगे। 20,000 रुपए धर दिए, उस जमाने 20,000 बहुत होते थे, 20,000 रुपए धर दिए और आज से सोना दे दिए सब ब्याह ले जाएंगे। लाला जी, लाला का कोई ना कोई छोरा ब्याह ले जाएगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे भी हो गए, बड़े मजे में रहे। तो भाई शादी होने के लिए इन सब चीजों को देखने के लिए कहां से आप चीजें लाएंगे, तो कुंडली में से निकालोगे। तो लग्न की जो घड़ी है वो बड़ी निर्णायक है। क्या है कि मंगसिर में अब चल रहा है, मंगसिर मार्गशीर्ष का महीना है, हिंदुओं का महीना, तो मार्गशीर्ष के महीने में
आप ईख बो, ईख समझते ईख शुगर केन, गन्ना बो, और भाई चैत बैसाख में यानी अप्रैल मई में गेहूं बो तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा? यदि किसी का खेती बाड़ी का बैकग्राउंड है तो इस बात को समझ पाएगा। अरे मंगसिर में तो गन्ने की कटाई होती है और गेहूं की बुआई होती है, चैत बैसाख में गेहूं की कटाई होती है, कटाई के वक्त आप बुआई कर दो और बुआई के वक्त कटाई कर दो, तो क्या तो नंगा नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। इसलिए वक्त बड़ा बलवान है। अर्जुन का नाम महाभारत में बहुत सा। एक दिन कृष्ण से बोला कि मैं जब तीर चलाता हूं तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता है, और जब कर्ण तीर चलाता है तो मेरा रथ 1 ही कदम पीछे हटता है। प्रभु मैं बड़ा 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 धनुर्धर हूं। प्रभु मुस्कुरा पड़े कृष्ण जी। जिस तरीके से बड़े लोगों के मुंह से निकली हुई हर एक बात का महत्व होता है, जैसे आजकल राजनेता कुछ बोल देते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है, एक एक अक्षर की व्याख्या की जाती है, एक एक शब्द की व्याख्या की जाती है, तो उसी तरीके से उनकी मुस्कुराहट की व्याख्या करवाया। एक दिन शाम के समय बैठा, बोला प्रभु आप उस दिन मुस्कुराते हो नहीं थे। बोला वहां तुम्हें कुछ बोला नहीं पर तू अकल से पैदल है। बोला क्या मतलब? कर्ण तेरे से 20 गुना ज्यादा बड़ा धनुर्धर है। बोला कैसे, ये कैसे हो सकता है? तो आप बड़ी पार्शियलिटी कर रहे हो। अरे मूर्ख, तेरे रथ पर एक तो मैं बैठा था, ऊपर से हनुमान जी तेरी ध्वजा पर है रस की, और उसके बावजूद भी वो 1 कदम पीछे धकेल रहा है तेरे रथ को 1 बाण से, तो इसका मतलब वो बड़ा धनुर्धर हुआ। तू अपनी पूरी ताकत से को मार रहा है तो 10 कदम पीछे जाता है, तो वो बड़ा धनुर्धर है, तो पता कैसे लगेगा? तो उसी अर्जुन के बाण से वही, लेकिन द्वारका में कृष्ण जी प्रस्थान करने लगे, जब प्रयाण करने लगे संसार से, तो उन्होंने बुलाया अर्जुन को कि भैया ये द्वारका नगरी तो मेरे निकलते ही डूब जाएगी, इसलिए तुम यहाँ ये जो गोपियां वोपियां ये यहाँ यादव वंशी बच्चे हैं इनको लेकर के तुम हस्तिनापुर की तरफ चले जाओ, सुरक्षित रखना। बोला ठीक है। वो वहां से सारी महिलाओं बच्चों को लेकर के चला, और रास्ते में उसके ऊपर राजस्थान में अभी भीलों का इलाका है, गोंड और भील ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अर्जुन हार गया, और उन भील उन गोपियों को, लड़कियों को, बच्चों को लूट के ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सका। तो वक्त कराए सब करे, वक्त बड़ा बलवान। भीलों से लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, तो वक्त बड़ा बलवान है।